मुख्यमंत्री जी जिसका अनुशंसा करेंगे वही मंत्री होते। नमस्कार, देख रहे हैं आप रिपोर्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पटना के एसपी वर्मा रोड स्थित सिनेमा घर में आर्टिकल 370 फिल्म देखने पहुंचे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बताते चले आपको कि आर्टिकल 370 फिल्म रिलीज हुए 19 दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके इस फिल्म का दबदबा अभी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज सम्राट चौधरी आर्टिकल 370 फिल्म देखने पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि यह फिल्म सिनेमा घरों में अब तक मजबूती से टिकी नजर आ रही है। राजनीति की दुनिया में सुलगते मुद्दे आर्टिकल 370 पर बनी इस फिल्म की कहानी लोगों को काफी पसंद आ रही है। भारत में कश्मीर का मुद्दा हमेशा से ही सबसे अधिक सुर्खियों में रहने वाला मुद्दा रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के सियासी मसलों की कहानी है यह फिल्म, जो बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से भी अच्छा परफॉर्म कर गई है। तो वही कारण है कि राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज से जितनी उम्मीदें की जा रही थी वो सब पानी में बहता नजर आ रहा है और आर्टिकल 370 का दबदबा देखने को मिल रहा है सिनेमा घरों में। बताते चले आपको, किसी कड़ी में सम्राट चौधरी भी फिल्म की तारीफ करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काम किया है इसे प्रचार करना ही चाहिए, इसे प्रसारित करना ही चाहिए। धारा 370 के तहत आर्टिकल 370 फिल्म बनाई गई है, जिसको देखने के लिए सम्राट चौधरी एसपी वर्मा रोड स्थित सिनेमा घर में पहुंचे हैं। तो वही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। मुख्यमंत्री जी को तय करना है कब एक्सटेंशन होगी। कुछ बातें सर ये हो रही हैं कि कुछ नाम अभी तक नहीं राजभवन पहुँच पाए हैं, जिस कारण से ऐसा थोड़े होता है। मुख्यमंत्री जी जिसका अनुशंसा करेंगे वही मंत्री हो जाएगा। कल सर ये चलिए धन्यवाद। धारा 370 पर आधारित आर्टिकल 370 फिल्म देखने पहुंचे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एसपी वर्मा रोड स्थित सिनेमा घर में और वहां पर कहते हुए नजर आए कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसे प्रसारित करना ही चाहिए। बताते चले आपको कि आर्टिकल 370 फिल्म का दबदबा अभी भी सिनेमा घरों में देखने को मिल रहा है। अभी तक सिनेमा घरों में यह फिल्म टिकी हुई है और लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वही इस कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस फिल्म को देखते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।